हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए बुक। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे फ्लिपकार्ट पे कैंपेन को रन करते हैं और कैसे वॉलेट टॉप अप करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो टू द फ्लिपकार्ट पैनल। ये फ्लिपकार्ट का पैनल है जो कि बहुत सिंपल टू यूज़ है। सिंपली हमें एडवर्टाइजिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। मैंने इस पे अभी तक ज़्यादा ऐड रन नहीं किया है। तो आगे बढ़ते हैं। इस पे आप देखोगे यहाँ वॉलेट का ऑप्शन आ रहा है और इस पे जब आप क्लिक करोगे तो अगर आपके वॉलेट में रिचार्ज नहीं है तो आप ऐड मनी के ऑप्शन पे क्लिक करके ऐड कर सकते हो। बट अगर आपके ऑलरेडी ऑर्डर आए हुए हैं, सेल आ रही है, तो आप इसे लीव कर सकते हो। वो ऑटोमेटिक आपके जो सेलर अकाउंट का बैलेंस होता है उसमें से डिडक्ट कर लेगा। तो इस यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे ऐड मनी, ये ऐड मनी जो भी आपसे पूछेगा कैसे करना है रिचार्ज वगैरह वो बता देगा। तो फ़िलहाल के लिए मेरे में अभी वॉलेट में है 283। तो आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है क्रिएट कैंपेन, इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले हमें एक नेम दे देना है कैंपेन का जिससे हमें याद रहे। तो यहाँ पे कर देते हैं ebook.in-trackpen। इतना करने के बाद आपको प्रोडक्ट चूज़ करना है। मैं प्रोडक्ट अपना चूज़ कर लेता हूँ, जैसे इसमें से कोई भी हम एक प्रोडक्ट जो भी हमारा है वो हम चूज़ कर लेंगे। मैं ये कर लेता हूँ। प्रोडक्ट चूज़ करने के बाद हमें स्क्रॉल डाउन करना है। बट इस वाले जो सेक्शन है, यहाँ पे तीन सेक्शन है, सिलेक्ट लिस्टिंग, बजटिंग और रिव्यू एंड सबमिट। तो इस वाले सेक्शन में सिर्फ प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है और कैंपेन नेम देना है। कैंपेन नेम आगे और भी मांगेंगे तो हम चूज़ कर लेते हैं ebook.in-trackpen। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट स्टेप पे आप क्लिक करते हो, यहाँ पे ये वाला जो बजटिंग का ऑप्शन है ये ऐसे आ जाता है। एक आता है CPC, एक आता है स्मार्ट ROI। तो स्मार्ट ROI पे अभी हम फोकस नहीं करते हैं, अभी हम सिंपली CPC पे, कॉस्ट पर क्लिक पे फोकस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कैंपेन ड्यूरेशन है, यहाँ पे आपको स्टार्ट डेट चूज करना है और यहाँ पे आपको एंड डेट चूज करना है। अगर आप ये करते हो टिल बजट एंड्स, तो जब तक आपका बजट ख़त्म नहीं होगा, अगर आपने कोई बजट सेट कर रखा है तब तक ये टाइम ख़त्म नहीं होगा, ये ऐड जो है चलता रहेगा। तो इसे ऑफ कर लेते हैं और यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं, जैसे आज चला रहे 5 तारीख को, तो मेरा कैंपेन ख़त्म हो जाना चाहिए 7 तारीख को। यहाँ कर लेंगे ओके। उसके बाद टोटल बजट आपको देना है या डेली बजट आपको देना है। डेली बजट अगर आप दोगे तो 300 मिनिमम होने चाहिए और टोटल बजट दोगे आप तो 1000 मिनिमम होने चाहिए। तो मैं तो यही प्रेफर करूँगा, डेली बजट पे चलाओ आप कि 1000 रुपये पता चले एक ही दिन में कट जाए, बेकार है ये। अब बेस बिड पे करते हैं। इसको आप बढ़ा भी सकते हो, लेकिन बढ़ा तो सकते हो, घटा नहीं सकते, ये है फ्लिपकार्ट का। तो इसको एज इट इज हमें छोड़ना है, कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है इसमें। उसके बाद यहाँ से अगर आपको कुछ एक्सक्लूड करना है कीवर्ड, जैसे आप सिर्फ ट्राउजर फॉर मैन या लोवर फॉर मैन पे चलाना चाहते हो, और अगर आप ये नहीं चाहते हो कि वो कैपरी पे आए या पिजामा पे आए, तो वो आप डाल सकते हो, बाकी से कोई ज़रूरत है नहीं, इसे लिव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे दोबारा हम, तो यहाँ पे सारा कुछ रिव्यू आएगा एंड सबमिट आएगा, हमें यहाँ पे देखना सबमिट करना है बस। डेली बजट ये आ रहा है 300 और वॉलेट डिडक्शन 283। तो जो टैक्स होता है वो 16 रुपये का आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो आपको सिर्फ इतना ही मिलेगा 283, इतने में ही आपको ऐड चलाना है, बाकी जो 16 रुपये वो टैक्स में कट जाएंगे आपके। उसके बाद कुछ नहीं करना है, पे एंड क्रिएट कैंपेन, जैसे इस पर क्लिक करोगे आपकी अमाउंट जो है यहाँ पे 283 वो ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएंगे
और कैंपेन क्रिएट हो जाएगा। मेरे को फिलहाल अभी नहीं करना है कोई भी कैंपेन क्रिएट, तो मैं इसको एज इट इज़ लीव छोड़ देता हूँ। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना, और मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अनटिल एंड अनलेस, गुड बाय।